नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए व्लॉग में स्वागत है। देखा तुम तो मित्रों, हमें यहीं पास रुकना होगा क्योंकि जो है सूरज और भाभी लोग जो है पीछे छूट गए हैं, मतलब मैं उनको जो है आगे चले गए हैं करके, मैं ही फास्ट आ रहा था। चलो चलो ओके। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच गए सिया देवी मंदिर में। सूरज है और पीछे भाभी है और उसकी बहन है, चारों लोग पहुंच गए हैं। अब गाड़ी का पर्ची कटवाते हैं और फिर अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो ये देख रहे हो पूरा खाली खाली, ये नवरात्रि के टाइम में पूरा भरा रहता है। सिर्फ ये दुकान ही नहीं, पूरा रास्ता भी खचाखच भरा होता है। ये तो ऑल टाइम है, ऐसे ही रहता है यहाँ पे दुकान। और यहाँ पे सूरज भी बना रहे हैं अपने लिए व्लॉग। यहाँ पे सूरज अपना व्लॉग बना रहे दोस्तों। जितना मतलब खाली खाली है उतना जो है बोलने में मज़ा आ रहा है। अब भीड़ भड़ा का होने से क्या होता है कि बस थोड़ा थोड़ा शर्माने का हो जाता है। नारियल वारियल लेने का होगा और फूल वगैरह, तो यहीं से लेने दोस्तों। आगे जो है इसके आगे जो कुछ नहीं है, इसके जो है अब सीधा मंदिर पहुंचने वाला है। तो दोस्तों ये है सिया देवी मंदिर जहाँ हम लोग अभी पहुंचे हैं। वहाँ पर माता जी विराजमान हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इतना शांत लग रहा है, मतलब मन एकदम शांत शांत। बस ये जो पंडित लोग हैं, बाबा लोग हैं, और अगर जो टीवी देखकर इंतजार कर रहे हैं ना, तो उन लोग का जो है साउंड थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। बाकी यहाँ की जो वाइब है ना, बहुत ही मस्त है, मतलब कि एकदम ज़्यादा ही शांत शांत है। बाकी मन एकदम शांत हो जाए उस टाइप से, लेकिन क्या करें, बाबा लोग जो है टाइम पास करने के लिए टीवी तो देखेंगे, तो सब ठीक है बाकी। तो दोस्तों, इस मंदिर की जो है पूरा व्यू कुछ इस तरह से है, लेकिन जो मैं दिखा रहा हूँ बस वो एक ही तरफ से दोस्तों। तो पूरा देखने के लिए आपको यहाँ पे अंदर आना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब जो है नीचे गिर जाते हैं जहाँ झरना है, लेकिन फ़िलहाल अभी झरना तो बंद होगा क्योंकि पानी वानी तो होगा ही नहीं। तो दोस्तों चलिए नीचे उतरते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से एक पतली सुरंग नज़र आती है, चल कुछ छोटे आगे, जो है नीचे की ओर उतरती है। ठीक, यहाँ से जो है सूरज गुजरने वाला है, और फिर मैं तो डरता हूँ गुफा में घुसने से। ठीक, तो दोस्तों मैं जिस झरने की बात कर रहा था वो ये वाला है। बरसात में बस दिखाई देगा, लेकिन अभी जो है सूखा हुआ है। तो दोस्त लोग इधर से आने वाले हैं। हाथ हो का कुछ तो नहीं ना ऊपर डान। फाइनली सूरज भाई निकल गए बाहर। सोचा नहीं था कि इतना मोटा भाई बाहर निकल आएंगे, लेकिन आ गए। अब जो है छोटी आ रही अंदर से बाहर, अब इसके बाद आएगी भाभी जो बहुत डरी हुई थी बजरंग बली का नाम लेते हुए। तीनों के तीनों बाहर आ रहे हैं, और ये फाइनली भाभी जी आ गई। तो कैसा लग रहा है, कुछ बताओगे? मजा आ गया, एक तरफा। वैसे मैं बीच में अटक गए हूँ, हाँ, लेकिन तब से भी निकल गया। तो दोस्तों, यहाँ पर पहुँचने के बाद बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। ठंड इतनी लग रही है कि अगर स्वेटर लाते तो भी ठंड लगती दोस्तों। अगर गर्मी में भी आते हो तो स्वेटर पकड़ के आना, वरना ठंड से। और यहाँ पर अभी एक जीव देखा गया है दोस्तों, बहुत ही
प्राचीन काल का जीव, वो प्राचीन काल का जीव जो बहुत ही पुराने वर्षों से यहीं पर तपस्या में सोए हुए हैं, इसकी तपस्या कोई भंग नहीं कर पाया दोस्तों। हेलो, देखो अपना पैर चाटते हुए आराम से लेटे हुए हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए, जब आप आओगे तो इसी में बैठ कर जो है फोटो खिंचवाओगे, मतलब खींचने वाला इसी में बैठेगा, आपको इधर लटकना पड़ेगा दोस्तों। और एक है मस्त बहुत ही अच्छा वाला प्लेस, वो पेड़ में, वहाँ अगर आप लोग जाते हो और फोटो खिंचाते हो ना, बिल्कुल कृष्ण भगवान लगोगे। और उस टाइम ठीक से दिखाया नहीं यार, लेकिन हाँ वो जो वाला ये जो पत्थर है ना, मतलब पानी इधर से आती है और इधर से बहकर उधर को जाती है, तो यहाँ से वो झरना का व्यू बनाते हैं दोस्तों, जो बहुत ही सुंदर लगता है बरसात के मौसम में, जो ठंड के मौसम में भी रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी जो है गर्मी का मौसम है तो पूरा सूख चुका है। और वहाँ पे लिखा भी है प्रवेश निषेध, नो एंट्री, फिर भी लोग घुस जाते हैं। और ये क्या दिख गया दोस्तों, यहाँ पे एक मधुमक्खी का छाता है, अगर आओगे ना तो यहाँ से भी बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पर जो मधुमक्खी बहुत ही जहरीला है और बहुत सारे हैं लगभग, ठीक है, आने से बच के रहना है, क्योंकि अब मधुमक्खी काटने से क्या होता है समझ सकते हो यार। अरे वाह, सूरज तो ब्लॉग बना रहा है, ऐसे मैं भी बना रहा हूँ। अच्छा बिल्कुल कर सकते हो, मैं आशीर्वाद दूँगा, अच्छा मिले पति तोड़ो। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या तोड़ रही है, बेल का पत्ता। तो दोस्तों पानी ख़त्म हो गए थे, सूरज यहाँ पे पानी भरा है, जल ही जीवन है। तो दोस्तों ये है सीता माता, यहाँ पर है लव और कुश, यहाँ पर हैं श्री राम जी और लक्ष्मण जी। तो दोस्तों अब लंच करने के लिए बैठ गए हैं हम लोग, और लग नहीं रहा कि चार्जिंग जो है पूरा। तो दोस्तों मेरे मोबाइल के जो चार्जिंग ख़त्म हो गए, तो ये मोबाइल है जो है सूरज के है, और मैं यहाँ पे जो है लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, और आज की जो व्लॉग है उनकी ख़त्म होती है। तब तक ये जय हिंद दोस्तों। नए इधर से हम लोग शुरुआत में आए हैं दोस्तों, और जस्ट आते ही शंकर भोलेनाथ महादेव और पार्वती माता और गणेश भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा है।